आन टीवी के दिलचस्प मुनफरिद और मजे से भरपूर शोज और ड्रामास देखने के लिए हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। ऐसे घर में यही खाना बनेगा, खाना है तो खाओ वरना तुम भी जाओ। और ये बाकी के लोग कहाँ मर गए हैं भाई? उनको क्या जरूरत पड़ी है स्लिम और स्मार्ट होने की इस उम्र में? मुझे समझ आ गया कि उन्होंने ये योगा क्यों शुरू किया है। अपने मेरी गर्दन का क्यों मार निकाल देना? नहीं बेटा, मैंने तेरी गर्दन का कड़ाका निकाला था, इससे ना तेरी गर्दन की सेटिंग ठीक हो जाएगी। पुराने पहलवान ना ऐसे ही किया करते थे। ये दो दिन से जो आप हमारे साथ जुल्म कर रहे हैं ना, हमसे एक्सरसाइज करवाते हैं और खुद नहीं करते, आपको भी करनी पड़ेगी। मार दे मुझे, पहुंचा दे ऊपर और पूरे घर पे कब्जा कर ले, बन जा घर का बड़ा। पूरी चाहता तेरा भाई जिंदा रहे। हाँ यार, वैसे ये तो सही कह रही हो तुम। अरे वो कितना प्यारा लग रहा है यार, है ना? हाँ, अब्बा से बोलें कि लगवा लें। हाँ, अब्बा लगाएंगे जैसे। तो यार बात तो करके देखते हैं। है भाई, चलो। साली तू मानी नहीं कभी तो मानेगी, साली पहचानी नहीं कभी तो पहचानेगी। अब क्या मुसीबत है? मुसीबत क्या है, हम तो इतने अच्छे गाने गा रहे हैं, तारीफ ही कर लो। आप नहीं तो तुम ही कर लो। अब मेरी ये वही है ना जो तुम्हें पहले भी तंग कर रहा था? ओहो, मेरे बारे में बातें हो रही हैं। देखो मेरी बात सुनो, तुमने इंसान का बच्चा बन जाओ और इसको तंग करना छोड़ दो, वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। अभी तक ना इसके अब्बू को पता नहीं है, और अगर इसके अब्बू को पता चल गया ना तो तुम्हें नहीं पता कि हमारे घर में कितने मर्द हैं। हमारे घर में इतने मर्द हैं, अगर रोज भी तुम्हारी धुलाई करे ना तो पूरे महीने तुम पिटते रहोगे। आपके घर में तो औरतें भी बहुत हैं, अगर वो आके मारे मर्दों के जगह वो औरतें आ जाएं तो मैं तो हमेशा पिटते रहूंगा खुशी खुशी। चलो मेरी जल्दी चलो। छानू के आँख में एक नशा है, गालों पे उसके तिल का निशा। देखना आज जाके मैं इसकी ऐसी शिकायत करूंगी ना, इसी गाल पे ऐसे निशान बनेंगे ना कि जिंदगी भर याद रखेगा ये। चलो मैं टांगे ना तोड़ दूं उस खबीस की। पढ़ाया मेरी बेटी को देख के गाने गाने वाला, अली जफर की औलाद ना हो तो। चाचू आप फिक्र ना करें, उसको तो मैं देख लूंगा, उसकी हिम्मत कैसे हुई इसको छेड़ने की? क्या देख लोगे, गुंडागर्दी करोगे, मोहल्ले में अपने आप को ही बदनाम कराओगे। ये तो बच्चा है जमील, ये मामला बड़े हसास होते हैं। उन्होंने तो बगैर सोचे समझे क्या दिया, और तुम दोनों तैयार हो गए टीपू सुल्तान बनकर लड़ने के लिए। तो भाईजान क्या करें, हमारे घर की बच्चियों को तंग किया उसने। तो लड़ाई झगड़ा करके इस बात को पूरे मोहल्ले में फैला दे और ये बात हमारी बदनामी का बायस बने। मैं इन्हीं की भलाई के लिए बात कर रहा हूँ, तो क्या जरूरत है अकेले बाहर निकलने की? तो अब्बा घर से निकलने की हमारी गलती है और इससे उसकी बदतमीजी ठीक हो जाएगी? नहीं बेटा, लेकिन जब मुल्क के हालात ऐसे हों तो हमें ख्याल करना पड़ता है। दो टके की लड़कों उठाई गिरों की इज्जत पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बेटा जरा सी बात पे लड़कियों की जिंदगियां खराब हो जाती हैं, बर्बाद हो जाती हैं, रिश्ते नहीं आते उनके। वजन ऐसे कैसे जाने दें उनको? देखो अब जो मैं बात कर रहा हूं उसको गौर से सुनो। अभी ये बात चार लोगों को पता है, तुम लड़ाई झगड़ा करोगे बात 40 लोगों तक पहुंचेगी, फिर वही बात बढ़ते बढ़ते 400 लोगों तक पहुंच जाएगी। बात को यही वे दबा दो तो इसी में हम सबकी भलाई है। क्या मतलब है आपका? हम कुछ नहीं करेंगे, हम चुप करके बैठे रहेंगे, और अगर उसने फिर दोबारा हमें छेड़ा फिर? अब्बा मेरी इन सही कह रही है, हमें कुछ तो करना पड़ेगा। करेंगे, जरूर करेंगे। आज के बाद इस घर में कोई लड़की अकेली बाहर नहीं जाएगी, जब वह जाएगी घर का कोई बड़ा बुजुर्ग या कोई जवान उसके साथ होगा, ताकि दोबारा ऐसे वाकयात रूनमा ना हो। देखो भाई, अगर तुम लोग इसी तरह सजी समरी बाहर निकलोगी तो लड़के तो पीछे पड़ेंगे तुम्हारे आवारा कुत्तों की तरह। बेटा आप दुपट्टा किया करें और हिजाब ओढ़ा करें। ताया मैं सर ढांप के निकली थी और मैंने हिजाब भी किया हुआ था। चलो
तो बाबा ने तुम दोनों को ही गलत बोला? कहने लगे हमारी ये गलती है कि हम घर से बाहर क्यों निकले और वो भी मेकअप करके। यार ये कितनी गलत बात है, तुम सुन रहे हो? हाँ, अब उनके माइंडसेट का क्या कर सकते हैं? क्या मतलब माइंडसेट का क्या कर सकते हैं? I mean to blame the victim. ये तो वही बात होगी ना कि अगर किसी की गाड़ी चोरी हो गई है तो उसी को जाके कहो कि तुम्हारी गलती है, चूंकि तुम्हारे पास गाड़ी थी तो वो चोरी होनी थी। क्यों थी तुम्हारे पास गाड़ी? बिल्कुल, वो ये भी कह सकते हैं। भाई मुझे तो उनका ये एटीट्यूड समझ में ही नहीं आता। मतलब वो वहां जाकर उससे बात कर सकते थे, उसको डांट सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने हमारे घर से निकलने पर पाबंदी लगा दी। इससे बेहतर था कि हम किसी को कुछ बताते ही नहीं, जैसा चल रहा था वैसे ही चलने देते। नहीं यार, क्यों ना बताते? फिर क्यों कहते हैं कि लड़कियां घर आके कुछ बताती नहीं है, जब बताती हैं तो पाबंदियां लगा देते हैं। तुम कुछ नहीं कर सकते। क्या मैं क्या करूं? अब्बा ने इनको सख्ती से मना किया है कि कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, उनको अपनी इज्जत इनकी इज्जत से ज्यादा प्यारी है। यार तो इसका मतलब है ये दोनों घर बैठी रहेंगी, उसकी बदतमीजियां बर्दाश्त करती रहे? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। Obviously there are other options also. भाई देखो, अगर आप लोगों को प्रॉब्लम है आप लोग मुझे आके बताओ ना, उनको बताने का क्या फायदा? मैं बात करूंगा ना उनसे, मैं सॉल्व करूंगा प्रॉब्लम। रहने दे भाई, वैसे ही आप अब्बू से इतना डरते हैं, कर ही ना ले आप उनसे बात। अरे चलो मेरी, चलो ये बात ऐसी बात नहीं है, करूंगा यार। बोथ ऑफ अस नो तुम कितना डरते हो बाबा से, तुम कभी बात नहीं करोगे। द लिटिल गर्ल्स यार, दे शुड फील सेफ अपने मोहल्ले में बाहर जाते हुए, दे शुड फील सेफ। आई नो, मेरा पॉइंट ये है कि उनको ना पता चले, उनको ये बात जिंदगी में कभी समझ नहीं आएगी। आई विल सॉल्व इट ऑन माय ओन टर्म्स, नो वरी। वैसे ये सरासर ज्यादती है जमीन, बच्चियों ने भाई को बड़ा समझकर उनसे कोई बात शेयर की और उन्होंने किसी और को सबक सिखाने के बजाय अपने ही घर की बच्चियों पे पाबंदी लगा दी, ये कोई बात नहीं। अंबर जो भी किया है ना भाईजन ने बिल्कुल ठीक किया। भाई बच्चियों का झगड़ा है, बदनामी आखिर किसकी होगी, भाई की ना। और वो लड़का जिसने छेड़ा है उसका कुछ नहीं? भाई वो लड़का है, मोहल्ले वाले तरह तरह की बातें करेंगे, लड़कियों पे उंगलियां उठाएंगे। भाई सारी बातें खुद ही सोचकर अज्यूम करते हैं और सारा काम खुद ही अंजाम दे लेते हैं, किसी और को बोलने की क्या जरूरत है, घर में अपने ही लोग हैं ना बदनामी फैलाने के। तो भाईजान ने क्या गलत किया मुझे सिर्फ ये बताओ, लड़कियां हैं घर की, बाहर निकलती हैं, सर पे दुपट्टा लें कोई नहीं छेड़ेगा। भाई हमारे जमाने में क्या था, पर्दा ही तो था। कैसी दफयानूसी बातें करते हो, मेरा दिल चाहता है मैं तुम्हारा गला दबा दूं। अब एक मिनट, क्या पर्दा बोल रहे हो? वो शबाना भी पर्दा करती थी ना, क्या हुआ था उसके पर्दे में घुस के क्या कर रहे थे तुम? हाँ उसके भाइयों ने तुम्हारी कुट लगाई थी बहुत टाइट वाली। ये बात तुम्हें किसने बताई? चिम्मी खाला ने बताई मुझे, उन्होंने तो ये भी बताया कि उन्होंने तुम्हें इतना कूटा कि खुले गटर में भी डाल दिया था। शेम ऑन यू जमील। गटर? गटर में थोड़ी गिरा था मैं, वो तो अंधेरे की वजह से पैर स्लिप हुआ और मैं गिर गया, उसके भाइयों ने थोड़ी कुछ ऐसा किया था। ओ माय गॉड, यानी कि तुम ये कह रहे हो कि सारी गलती उन्हीं की थी, तुम इतने अच्छे और शरीफ इंसान थे कि तुमने तो कुछ किया ही नहीं था। क्या भाई क्या? अच्छा अगर तुमने मेरी कदर नहीं की इसका मतलब है कि कोई भी मेरी कदर नहीं करेगा। वो तो शबाना मैं जब भी गुजरता था ना तो मुझ पे मोती के फूल फेंकती थी और मुझे ना आवाज देती थी, नुमानी जास नुमानी जास। कोई खुदा का खौफ है तुम्हें? नुमान एजाज नुमान एजाज बोलते हुए जरा सोच तो लिया करो कि बोल क्या रहे हो। नुमान एजाज और तो हद होती है। वैसे दुआ करती हूँ मैं, काश इस घर की बच्चियों के भाई भी ऐसे ही होते जैसे शबाना के भाई थे, कम से कम उन्हें कोई छेड़ता तो उसे गटर में तो डालकर आते। गटर वटर में कोई नहीं फेंका था मुझे, हाँ पैर फिसल गया था मेरा और मैं गटर में गिर गया। और कल तो भाई ने मुझे मना कर दिया, वरना वो लड़का मेरे हाथ से जाया हो जाता। अच्छा हद है जमीन, बातें करवा लो बस। अरे बातें क्या करवा लो यार, अगर वो कतल बतल हो जाता तो तुम्हारे शौहर को जेल हो जाती, सलाखों के पीछे तुम मेरे लिए खाना लेकर आती, कातिल की बीवी कहलाती, सूट करता है तुम पे ये सब कुछ। खुश हो जाओ जमीन, तुम और कतल, हालत देखी है अपनी कभी? कतल करेंगे, किसी को सबक तो सिखा नहीं सकते,
घर की बच्चियों पे पाबंदी लग सकती है इस घर में, बस दकयानूसी लोग। अच्छा I'm sorry, मैंने जो कहा मुझे नहीं कहना चाहिए था, गलती है मेरी। कोई बात नहीं अरसलान भाई, आपने तो बस वही कहा जो हमेशा से सुना है। नहीं लेकिन जरूरी नहीं है ना जो सुनाओ वो सही सुनाओ। चलो मैं अपनी तरफ से भी सॉरी बोलता हूँ और बाबा की तरफ से भी सॉरी। भाई इतनी फीकी सॉरी से काम नहीं चलेगा, अगर आप हमें अभी टूटी फ्रूटी आइसक्रीम लाके खिलाएंगे तो बात बनेगी। ओके जाएं? अभी? हाँ तो अभी ना, जल्दी जाएं। जी टूटी फ्रूटी के अलावा कोई फ्लेवर नहीं मिला तुम्हें? आ जाए आ जाए, मैंने भी छोड़ना नहीं है, मैंने सोच लिया है। क्या हुआ, इतने गुस्से में क्यों फिर रही है? ओह नूर, इस वक्त कोई बात मुझसे ना करो, आज अगर मैंने ये बेलन तुम्हारे चाचू के सर पे ना तोड़ा ना तो मेरा नाम भी अंबर नहीं है। सुने आप क्यों हर वक्त उन्हें डांटती रहती है, ज्यादती है? ज्यादती 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 मेरे साथ हुई है कि मेरी उस आदमी के साथ शादी हो गई है। तुम्हें नहीं पता, जब भी मुझे बाजार लेकर जाता है मेरे अलावा पूरी दुनिया की लड़कियों पे उसका फोकस होता है। इंसाफ की कोई बात है कि नहीं? नहीं छोड़ूंगी आज। नहीं ये वाकई गलत है, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, और इसकी तो कोई एक्सक्यूज भी नहीं बनती उनकी तरफ से। सुने आपने कभी कोशिश की है कि उनसे बैठ के बात करें इस बारे में कि प्रॉब्लम है क्या, प्यार से बात करके देखें? आपने कभी कोशिश की है कि आप उनसे प्यार से बात करें? अरे बस कर दो, ये जो इस तरह के मर्द होते हैं ना इन्हें बीवियों में कोई दिलचस्पी नहीं होती। उन्हें पता है घर में पड़ी है बेचारी, ख्याल भी रखेगी, ध्यान भी करेगी, प्यार भी कर ही लेगी, क्योंकि मरती क्या ना करती, इसलिए हमारी कोई औकात नहीं होती है। यार वो सब तो ठीक है, लेकिन पता बात ना कनेक्शन की भी होती है। आप मुझे खुद ही तो कहती है कि आप लोग इतने बिजी होते हैं, बच्चों में टाइम ही नहीं मिलता है। कनेक्शन? अब बेटी भी बड़ी हो रही है यार, क्या कनेक्शन बनाऊं मैं? इतना टाइम हो गया शादी को और ऊपर से ये इतना बड़ा घर और यहाँ के लोग, कनेक्शन बनाने की कोशिश भी करो ना तो हजार रुकावटें आती हैं बीच में। कह तो आप बिल्कुल ठीक रही हैं, मतलब मेरी और अरसलान की नई नई शादी हुई और हमें साथ टाइम नहीं मिलता, तो आप लोग तो तुम मुझे ज्यादा समझाने की कोशिश मत करो, मुझे पता है कि आज मैंने उसके साथ करना क्या है। अच्छा मेरी बात सुने ना, देखिए अभी आपने खुद कहा कि आपकी बेटी बड़ी हो रही है, तो कुछ तो गुंजाइश है ना वक्त निकालने की, शॉपिंग करने चले जाया करें, मूवी देखने चले जाया करें, खाना खाने चले जाया करें, और कुछ नहीं तो अपने आप के लिए, अपनी तसल्ली के लिए, अपनी खुशी के लिए अपने साथ वक्त गुजार लिया करें। ये मैंने आपको पहले भी समझाया था। सुनने में कितनी अच्छी लगती है ना तुम्हारी बातें, वाकई अमल किया जाए तो घर तो गुले गुलनार हो जाए। नूर तुम्हें नहीं पता, कोशिश कर भी ली ना तो मुझे पता है जीरो रिजल्ट आना है, क्योंकि तुम नहीं जानती हो मैं जानती हूँ इस घर को भी और यहाँ पर रहने वालों को भी, और खासकर तुम्हारा वो चाचा। आज तुम मुझे कुछ भी समझाने की कोशिश नहीं करोगी नूर, आज इससे ना जिम्मी को कोई नहीं बचा सकता, चाहे कुछ भी हो। चाची एक बार मेरी बात सुन ले यार, मत मारिएगा। कोई हाल नहीं है। जानू सुन जरा, पलकें तो उठा, आंखों में छुपा लूं तुझे, तुझसे चुरा लूं। जिम्मी चाचू, चाची कहाँ हैं? होंगी यहीं कहीं, तुम्हारी चाची, तुम्हें पता होगा। यहाँ फिर रही थी, आपका इंतजार कर रही थी, बॉक्स से में थी। ये कोई नई बात है, ये तो रोज का काम है उसका। बेलन भी था उनके हाथ में आपकी पिटाई करने के लिए। नूर यार ये बेलन जो है ना ये बहुत गलत है, बहुत शोर से लगता है। आप जैसे आदमी को ना लगना भी चाहिए कोई हरकत की है आपने? आप खानदानी मर्द है मुझे ये बताएं, मतलब बाजार में छोड़ा है बीवी को, बंदा कोई फोन छोड़ आता है, शॉपिंग छोड़ आता है, खाना छोड़ आता है, आप पूरा इंसान छोड़ा है, वो भी आपकी बीवी। इतनी खूबसूरत लड़की ने मुझसे लिफ्ट मांगी थी, कोई अंधा भी होता ना उसे घर तक छोड़ गया था, मैं तो फिर भी जिम्मी हूँ। जिम्मी चाचू बहुत अफसोस की बात है, आपको देख के ना जरा भी नहीं लगता कि आप एक जवान बेटी के बाप है, आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आई? उसके होते हुए आप इधर उधर लड़कियों को देखते हैं, एक औरत जिसने अपनी पूरी जिंदगी आपके नाम कर दी, आप ये ज्यादती कर रहे हैं उनके साथ? आपकी सोच है, आपकी हरकतें उनको कितना परेशान करती हैं। अरे भाई क्या ज्यादती कर रहा हूँ, जो कमाता हूँ ला के उसके हाथ पे रखता हूँ, हर त्योहार पे नया सूट, अच्छा मोबाइल, और क्या दूँ? आपको लगता है बस यही फर्ज है आपका, तो आपको कुछ भी नहीं पता।
जिस दिन आप उनसे प्यार से बात करेंगे ना, उनको एहसास दिलाएंगे कि आप उनसे प्यार करते हैं, बेसिक ऑनेस्टी जब आप अपने रिलेशनशिप में लाएंगे ना, तो वो ये मटेरियलिस्टिक चीजें देखना भूल जाएंगी कि आप कितने पैसे ला के रख रहे हैं, कौन सा फोन दे रहे हैं, कितने सूट दिला रहे हैं। भाई वो इतनी छोटी है और कितनी बड़ी ज्यादती करते हैं आप जैसे मर्द औरतों के साथ। उन्होंने अपनी जिंदगी में से अपनी कोई ख्वाहिश ही निकाल दी है, आपको जरा भी एहसास नहीं? थोड़ा तो आप उनको एहसास दिलाएं कि आप उनसे प्यार करते हैं, कि आप उनकी इज्जत करते हैं। ये बहुत बड़ा झूठ है चुन्नी चाचू। मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपने अभी जाके उनसे अपोलोजाइज नहीं किया ना, और अगर आपने अपना कैरेक्टर सीधा नहीं किया, तो मैं उनके साथ आपको पिटाई लगाऊंगी। सीधे हो जाएं एंड आई विल डिफेंड यू इन फ्रंट ऑफ हर, प्रॉमिस। ठीक है, अल्टीमेटम दे रही हूं मैं आपको, बहुत गलत बात है। जानू सुन जरा, अब्बा ने घर से बाहर जाने पर तो पाबंदी लगाई भी थी, अब माली भी बना दिया। ये लो, ठीक है। ये क्या बकवास है, मैंने तुमसे 8 बुक का कहा था, ये तुम क्या अजीब से किसी रेसलेट की बुक उठाकर लेकर आ गए हो। अब उसकी दुकान पे जो मिली मैं लेके आ गया, अब उसके पास तीसरे वैन डैम की किताब, तो मैं क्या करूं? मैंने वैन डैम नहीं कहा था राजा, मैंने वैन गो कहा था। तुमने कभी कोई इल्गाम ढंग से किया है क्या? तुम्हें ना रिफत, सिर्फ एतराज करना आता है और कुछ नहीं। एतराज करने की क्या बात है, मेरा आर्ट का प्रोजेक्ट है, मुझे वैन गो की बुक चाहिए थी और तुम किसी रेसलर की बुक उठाकर लेकर आ गए हो, मैं अपना प्रोजेक्ट कैसे करूंगी? इतना ही मसला होता है ना तुम्हें, तो जाके अपनी चीजें खुद लिया करो, पकड़ो इसे। चली जाती मैं, अगर अब्बा ने बाहर जाने पे पाबंदी ना लगाई होती। उन्होंने तो साफ कह दिया कि अगर बाजार जाना है ना, तो सिर्फ उनके साथ ही जिम्मी चाचू के साथ जाना है। गलती कर दी कि तुमसे बुक मंगवा ली मैंने। तो फिर जाओ अब्बा से ही मंगवाओ, वापस करवाओ इसे, मेरी जान छोड़ो। हाँ हाँ ठीक है, जाके करवा लूंगी। फजूल में इस घर के सब लोगों के नखरे बर्दाश्त करो, ये तो लेते जाते तुम। उनसे बात करने आई थी, कैसे हो? मैं कौन सा पंजाब से आया हूँ जो तुम मुझसे पूछ रही हो कैसे हो? बिल्कुल ठीक हूँ। ये तो सारी दुनिया जानती है कि तुम्हारी शक्ल अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी उम्मीद होती है कि कभी तो बात अच्छी कर लिया करो। अल्लाह पाक ना इंसान को हर चीज उसकी मर्जी की नहीं देता। इतना हैंडसम शौहर दिया है तुम्हें, तो जरूरी थोड़ी है वो बातें भी अच्छी करे। मुझे बात बताओ कि शादी के बाद मर्दों की मोहब्बत कम क्यों हो जाती है? सब मर्दों की मोहब्बत कम हो जाती है क्या? अच्छा सॉरी। अच्छा ये बताओ कि बाजार में अकेला छोड़ के क्यों चले गए थे मुझे? वो मैं बाजार में मैं वो नमाज पढ़ने के लिए चला गया था। नमाज और तुम? जो तुमने पिछले कई सालों से नहीं पढ़ी है। नहीं नहीं अंबर, मैं सुधर गया हूँ, अपने दीन की राह पे चलूंगा। ये मुंह और मसूर की दाल, ये तो वही वाली बात हो गई कि सूरज को मगरिब से निकाल लो। यही बातें हैं तुम्हारी, तुम्हारी इन्हीं बातों की वजह से मैं ऐसा हूँ और मेरी हरकतें ऐसी हैं। तुम मुझ पे भरोसा नहीं करती। बस मेरे भरोसा ना करने की वजह से तुम्हारी हरकतें ऐसी हैं? अरे बस कर दो, तुम्हारी हरकतें ही ऐसी हैं कि मैं भरोसा कर ही नहीं सकती। तुम ना, तुमसे बात करने का कोई फायदा ही नहीं। मैं तो नूर के कहने पे यहाँ आया था कि तुमसे कोई रोमांटिक बातें कर लूंगा। नहीं ना, मतलब तुम अंबर चाची और जिम्मी चाची का रिलेशनशिप ही देखे हो, इट्स सो वियर्ड। उनकी शादी को कितने साल हो चुके हैं और उनकी बच्ची कितनी बड़ी है, बट दे आर ऑलवेज फाइटिंग। अच्छा ठीक है सॉरी। तुम ऐसा करो, मुझे अपनी मर्जी से कोई अच्छा सा रोमांटिक गाना सुनाओ। प्रीतों में नव्याह कर ले, कुंड विचों चाह कर ले। ये कौन सी चाह है तुम्हारी, हालत देखी है अपनी तुमने, किससे ब्याह करना है तुमको? एक मिनट, हिलना नहीं। इतना बड़ा बाल, बाल बड़े कर रहा हूँ ना देखो, ये लंबे कर रहा हूँ। ये किसी लड़की का बाल है जमील? नहीं नहीं, ये मेरा ही बाल है, ये लंबा होके ना। बकवास नहीं करो, तुम शमी मारा से मिलकर आए हो ना,
कौन छिनी मारा, वो तो एक रास्ते में बेसहारा लड़की मिल गई थी, उसको घर छोड़ने के लिए चला गया था। सारी दुनिया की बेसहारा लड़कियों को सहारा देने का ठेका लिया है तुमने, बस अपनी बीवी नजर नहीं आती है, भरे बाजार में उसको छोड़कर आ गए। मैं तुम्हें ना फांसी लगाऊंगी। जमील रुको एक मिनट। नहीं, मैंने आज बहुत समझाया है उन्हें, तो आई एम श्योर कोई ना कोई हल तो निकल आएगा। लगी शर्त, आई एम वेरी होपफुल। तुम्हारी वजह से मैंने इससे सॉफ्ट होकर बात की थी, तुम्हें पता है ये एक लड़की से मिलकर आ रहा है। नहीं नहीं नूर, वो तो बेचारी बेसहारा थी, मैंने उसे सहारा दिया, किराया नहीं था उसके पास। नहीं तो किराया नहीं था उसके पास तो आपको क्या जरूरत थी मोटर बाइक पे ले जाके छोड़ने की उसे? अब इधर आए ना, बीवी के पास खड़े हो, सामने बैठ के बात करें। नहीं ना, किराया क्यों देते ये? अगर ये किराया देते थे तो इनकी ठरक कहाँ जाती, इन्होंने तो ठेका लिया हुआ है जहाँ कोई बेसहारा हो। देखी फौरन से पहुंच गए अपनी खिदमत खल्क का जज्बा लेकर। मैंने आज ना इसका गला घोंटने के साथ साथ इसकी टांगे भी तोड़ देनी है नूर, मैं बता रही हूँ। टांग नहीं, टांग टूटे से ना मैं घर पे बैठ जाऊंगा। एक सेकंड, दोनों बिल्कुल बिल्कुल चुप कर जाए, दोनों के दोनों। आप दोनों हर वक्त लड़ते रहते हैं, 18 साल की बच्ची है आपकी, उसका पूरा बचपन खराब कर दिया आप दोनों ने। आपको पता है इस तरह की पेरेंटिंग की वजह से बच्चों के अंदर कितना इमोशनल ट्रॉमा होता है? माँ बाप तो अपनी जिंदगी गुजार देते हैं, आगे बच्चे की जिंदगी खराब हो जाती है जब वो कोई प्यार नहीं देखते अपने माँ बाप के बीच। तो पिछले महीने चाची ने आपको बाहर फेंका था घर से, अरसलान आपको अंदर लाया था, आपको फिर भी समझ नहीं आई। आपको तो मैंने इनको कितना समझाया था कि आपके पास जाके प्यार से बात करें, हालांकि आप जैसे मर्द से ना प्यार से बात बहुत मुश्किल से होती है। वो आई, आपने उस चीज की भी वैल्यू नहीं की, कुछ शर्म नहीं आई? मैंने कुछ नहीं किया। तुमने कुछ नहीं किया, तुम तो फवाद खान हो ना, लड़कियां खुद आकर मर जाती हैं तुम्हारे आगे, तुम्हें कुछ करने की जरूरत ही कहां पड़ती है। नूर मैं तुम्हें बता रही हूँ, तुम गवाह रहना और सुन लो मेरी बात, तुम कान खोल कर, ये आदमी अब मेरे कमरे में नहीं आएगा। इससे बोलो अपना बोरिया बिस्तर समेटे और निकले गार्डन की तरफ, ये वहीं सोएगा वहीं रहेगा, मच्छरों से दिमाग लगाएगा अपना। खबरदार खबरदार जो इस आदमी की फेवर में तुमने मुझसे एक लफ्ज भी और बोला। शट अप शट अप बोल के चली गई यार। बिल्कुल ठीक हो रहा है आपके साथ जिमी चाचू, बिल्कुल ठीक हो रहा है। 2-3 रातें आप बाहर गुजारेंगे ना मच्छरों के साथ, आपको डेंगू होगा ना एक दो बार, तो फिर आपको समझ आएगी। बिल्कुल बीमार हो जाएंगे ना, तो यही जब आपका ख्याल रखेंगी तब शायद आपको थोड़ी शर्म आ जाए। अफसोस की बात है यार, वैसे बेसहारा लड़की के चक्कर में जिमी तू खुद बेसहारा हो गया, मच्छर में सोना पड़ेगा। अंबर कहाँ जा रही हो तुम? वो दादा सामने वाले घर में लाइबर रहती है ना, नोट्स लेने जा रही। आप ठीक है? मैं तो ठीक हूँ। अब आया क्या तुम्हारी? तुम 2 मिनट रुको, मैं अभी आता हूँ। सामने तो जाना है। अरे सामने जाना हो या दूसरे शहर में जाना हो, जब मना किया तो मना किया। तुम 2 मिनट रुको, मैं बाथरूम से होके आता हूँ। लाइबा आज ना वीडियो का प्लान कैंसिल करते हैं, और सुनो मैं आऊँ ना तुम जो कोई भी नोट्स दे देना। अरे बाद में समझाती हूँ। ओके ओके ओके, बाय 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 बाय। आओ मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। जी दादा। और अपना बाया पहना करो। जी दादा। वैसे रिफत उस्मान कितना खुश हो रहा होगा ना, उसको लग रहा होगा उसके डर की वजह से हम घर में बैठे हुए हैं, उसको क्या पता हम पे कर्फ्यू लग चुका है। उसको कौन सा फर्क पड़ रहा होगा, हम नहीं तो किसी और लड़की को छेड़ लेगा वो, ऐसे लोग रुकते थोड़ी हैं। और अब्बू को भी ऐसा लगता है कि उन्होंने हमें घर पे बिठा के ना बहुत बड़ा तीर मार लिया है। लेकिन अगर ये लोग कुछ नहीं कर रहे तो हम भी क्या घर में बैठ जाएं? हम क्या कर सकते हैं, अब्बू ने हमें घर पे बिठाया हुआ है भाई। एक चीज़ हो सकती है। अब क्या भाभी? देखो इस तरह के जो लोग होते हैं ना जो लड़कियों को परेशान करते हैं, वो आमतौर पे खुद बहुत डरपोक होते हैं, इसीलिए तो लड़कियों को छेड़ते हैं क्योंकि उन्हें ईगो बूस्ट मिलता है। देखो ना हमने शुरू से फिल्मों में क्या देखा है कि लड़की बेशक जितना भी मना करे हीरो को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो सब तो ठीक है, लेकिन इन सब का हमारे केस से क्या ताल्लुक है? देखो वो तुम लोग को डरा रहा है,
तो तुम लोग भी उसको आगे से डराओ। तो क्या हम उसको जाके छेड़ें? नहीं, उसको किसी ऐसी चीज से डराओ जिसका उसे डर हो। वो क्या चीज है? सीरियसली एमजे, इस कमरे में सबसे बड़ी सेलिब्रिटी तुम हो और मुझसे पूछ रही हो। भाभी, थैंक यू। यस भाभी, अगर किसी को पता चल गया ना कि अब्बा के मना करने के बावजूद भी हम लोग यहाँ आए हैं, तो आज रात कयामत आ जाएगी। देखो, ये तो वैसे भी होना है, अगर डूबना है ना, इस उस्मान के बच्चे को लेके डूबना है। भाभी, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। डरने की कोई जरूरत नहीं है, हम लोग इधर ही, तुम लोग तुम्हारे पीछे खड़े हैं, ठीक है? तुम जाओ और डरे बगैर उससे बात करो। फोन है ना? जी भाभी। सही है, चलो तुम जाओ, हम इधर ही खड़े हैं। वीडियो ऑन करो, वीडियो ऑन करो। जरा चेहरा तो दिखाओ, थोड़ा और मुस्कुराओ, आज अकेले अकेले लगता है नंबर देने आए हो। तुम्हें शर्म नहीं आती है? तुम्हारे छिछोरेपन की वजह से ना हमारा घर से बाहर निकलना बंद हो गया है। क्या, मेरी वजह से? मैं तो कभी कभी आता हूँ यहाँ पे, वो भी कभी आपको देखने का मन हुआ तो। तुम लड़कियों को पीछा नहीं छोड़ सकते? नहीं, मैं किसी और के पीछे कभी नहीं जाता, कभी कभी आपके पीछे आ जाया करता हूँ। तुम ऐसे आते जाते रोज हमें तंग करोगे क्या? हाँ, करता रहूंगा तंग, अच्छी जो लगती हो तुम मुझे। हमारे माँ बाप को अगर पता लग गया तो सोचो उन्हें कितना बुरा लगेगा। कौन बताएगा उन्हें, कौन बताएगा? हाँ, हम बताएंगे। ओह, लगता है पूरा गैंग लेके आए हो। बहुत शौक है ना तुम्हें हीरो बनने का? हाँ, वो तो हूँ मैं हीरो। तुम्हारी फिल्म हम रिलीज करेंगे। फिल्म? कौन से सिनेमा में आएगा मेरा फिल्म? ये वाली फिल्म, ये मैं पूरे सोशल मीडिया पे लगा दूंगी और ये फैला दूंगी कि तुम कितने बड़े हरासर हो। बाजी, देखें, ये तो गलत बात है, मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा था, इधर बैठा हुआ था, मैंने कुछ भी नहीं किया। आप लोग मेरे छोटी छोटी बहन है। बहने? तीनों मेरे छोटी छोटी बहन है। दोबारा मुझे इस मोहल्ले में नजर आए ना तो मैं पीट पीट के बुरा हाल कर दूंगी। भागो यहाँ से। जा रहा हूँ मैं, तीन तक गिन रही हूँ, फैला दूंगी वीडियो। आप डिलीट कर देना। नहीं करूंगी। मैं जा रहा हूँ। भागो। अच्छा, मेरी बाइक में, मैं जा रहा हूँ। अभी अपलोड कर रही हूँ। मैं जा रहा हूँ, डिलीट कर देना। भागो। आया बड़ा। सी, डरने की कोई बात नहीं है। थैंक यू भाभी। मेरिन, क्या जरूरत है बिलावज ये सब करने की तुम्हें? अब अगर कोई और कुछ नहीं करेगा तो हम ही करेंगे ना। तुमने सोचा है अगर अब्बा को पता चलेगा तो क्या होगा? उनको कैसे पता चलेगा? ना भी पता चले, पॉइंट वो नहीं है। लेकिन ये सब करने की क्या जरूरत थी मेरी? जरूरत थी, उसको ये एहसास दिलाने की जरूरत थी कि वो बिना खौफ किस तरह की हरकतें नहीं कर सकता। अब एटलीस्ट वो मोहल्ले की लड़कियों के सामने तो इंसान बनकर रहेगा ना। वैसे मैं सोच रहा था तुम लोगों को अगर वहां कोई देख लेता तो क्या होता? वही होता ना जो पहले हुआ था, बाबा ने पाबंदी लगा दी थी रिफत पे और इस पे महरीन पे। एटलीस्ट इस बार कुछ अचीव तो हुआ है। यार, एक तो ना मुझे लगता है कभी कभार तुम और बाबा मिलके मुझे हार्ट अटैक दे दोगे। जो भी अच्छा हुआ, एटलीस्ट उस वीडियो की वजह से वो लड़का किसी लड़की से बदतमीजी करने से पहले 200 दफा सोचेगा। हाँ, लेकिन मसला तो वही का वही है नारिस्तान। क्या मतलब? द थिंग इज, रिफत ने और महरीन ने कुछ भी नहीं किया था, उसके बावजूद बाबा ने फजूल में उन पे पाबंदी लगाई। तो सारे घर वालों को ये समझना बहुत जरूरी है कि अगर कोई लड़का किसी लड़की को तंग कर रहा है तो लड़की के बाहर निकलने पे पाबंदी क्यों लगा रहे हो? लड़के को रोको। नहीं तो तुम लोगों ने रोक दिया ना उस लड़के को। हाँ, लेकिन उसकी वजह से जो नुकसान हुआ है वो भी तो ठीक करना है। कैसे? वो मैंने, रिफत ने और महरीन ने मिलकर प्लान बना लिया, तुम्हें कल तक पता लग जाएगा। पता नहीं भाई, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। I'm so excited. It sounds really good. Huh? Sandwich is really good. I didn't have to cook it. You can have this as well. I'm gonna go work on my plan. नहीं तो ये क्यों बनाया फिर तुमने? चलो at least कुछ तो बनाना था तुम्हें। क्या मौसम हो रहा है यार, बारिश हो जाए तो मजा आ जाएगा। क्या लाने को कहा था? बन है। सुनो। बोलिए। तो मेरी हेल्प कर दोगे? मैंने गाड़ी करवाई थी पर अभी तक लोड हो रही है, पता नहीं क्या मसला हो गया, प्लीज तुम देख लो। आप हेल्पलाइन में कॉल कर लें, वो आपकी हेल्प कर देंगे। वहाँ तो बहुत देर हो जाएगी और मुझे अपने घर जाना है, प्लीज मेरी हेल्प कर दो।
शादी का ही है। यहाँ तो सब ठीक लग रहे हैं। आप एक काम करें, 5 मिनट वेट करें, आपकी टैक्सी आ जाएगी। अच्छा ठीक है, मेरा फोन तो वापस करो। क्या कर रही हो लड़की, मुझे साथ लेके जाओगी अपने? सॉरी बट थैंक यू सो मच, तुमने मेरी हेल्प की। अजीब लड़की है। हेलो, हाँ ठीक है। क्या हुआ? काम हो गया। Really? Yes. Yes. Oh my God. This is huge. क्या हो गया भाई, इतना सन्नाटा क्यों है? सब खैरियत तो है? अच्छा ये लड़की यहाँ पे क्या कर रही है? अच्छा अपनी इज्जत की तो तुझे फिक्र नहीं है? कम से कम इस घर की इज्जत का तो ख्याल कर लिया होता। क्या मतलब बाबा, मैं कुछ समझा नहीं। समझाने का बच्चा। ये लड़की कह रही है कि तूने आते जाते इसका जीना हराम किया हुआ है। मैंने इस लड़की को अपनी जिंदगी में आज से पहले नहीं देखा, मैं इसका कैसे जीना हराम करूंगा चाचू? झूठ बोल रहे अंकल, ये आते जाते मुझे तंग करता है। ये देखिए, ये देखिए, आज तो उसने मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश भी की है। ये अब्बा कसम से ये झूठ है, आप मुझ पर भरोसा रखेंगे? ये पता नहीं इनकी कोई चालबाजी है। चुप। बेटा तुम अपने घर जाओ, मैं इसकी अच्छी तरह से मुरम्मत करता हूँ और इस नालायक की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ बेटा, जो अपने घर। अब्बा खबरदार, जो एक लफ्ज भी मुंह से निकाला ये करता है तू घर से बाहर निकल के, कोई तमीज कोई इज्जत बची है तुझमें? लेकिन ताया गलती तो लड़की की भी थी, वो घर से अकेले बाहर क्यों निकली? वो अकेली हो या 10 के साथ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका कोई हक नहीं बनता कि उसके साथ बदतमीजी करे या उसे छेड़े। भाई अब लड़की अगर मेकअप करके घर से बाहर निकलेगी तो कोई भी लड़का उसको छेड़ेगा, और भाई उसको भी तो सर ढांपना चाहिए था ना। लड़की के सर पे हिजाब ना होता या वो मेकअप ना करती तो इससे क्या इसकी बदतमीजी ठीक हो जाती? इसका फर्ज है कि जब भी बाहर निकले अपनी आंखों और अपनी जुबान पर काबू रखे। लेकिन बाबा वो लड़की शाम के वक्त घर से बाहर निकली क्यों, और अगर निकली भी तो अकेली क्यों निकली? शाबाश बेटा शाबाश, गलती इसने की और कसूर उस बिचारी का? आप बताएं भाईजान, ये जो कुछ भी हुआ इसमें कसूर किसका था? इस नालायक का और किसका, दो जूते से पड़ेगा तो आदमी बन जाएगा ये। बात चुप, बिल्कुल चुप। तो आप ये कह रहे हैं भाईजान के उस लड़की ने बेशक मेकअप किया था और वो घर से शाम में बाहर निकली थी, फिर भी उसका कोई कसूर नहीं है, राइट? वो चाहे कुछ भी करे, ये कौन होता है उससे बदतमीजी करने वाला, नालायक कहीं का। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, वो चाहे कुछ भी करे, किसी का कोई राइट नहीं बनता कि वो इस तरह लड़की को तंग करे। ये बात आज भी उतनी ही सही है भाईजान जितनी उस दिन ठीक थी जब रिफत और महरीन को किसी और लड़के ने तंग किया था। हाँ भाई, उस दिन भी गलती जो थी वो लड़के की थी और सजा हमें मिली। फिलहाल बात इसकी हो रही है। अब अबू ये सब कुछ हमने किया है। क्या मतलब? बाबा राजा की कोई गलती नहीं है, उसने कुछ भी नहीं किया। देखा देखा, मैं आपसे यही कह रहा था, ये सब इनकी मिली भगत थी मुझे फंसाने के लिए। तो फिर ये सब क्या था? वो जो लड़कियां खड़ी थी वो कौन थी? ताया वो मेरी दोस्त थी आलिया, हमने उसे बोला था ये सब ड्रामा करने के लिए। बहुत अच्छे, इसका मतलब ये जो सब कुछ था ये झूठ था। झूठ नहीं रहा भाईजान, बात का जाविया बदल कर आपके सामने लाया गया था। आपने बिल्कुल ठीक कहा, लड़की शाम में घर से निकले, दोपहर में निकले, किसी के साथ निकले या अकेले निकले, मेकअप करे या ना करे, किसी का राइट है ही नहीं
कि वो राह चलती लड़की को तंग करे, उसे बार बार परेशान करे। और अगर कोई लड़का ऐसा करता भी है ना, तो घर वालों का ये राइट बिल्कुल नहीं बनता कि लड़की को कैद कर। सॉरी अब्बू, अगर आपको हमारी कोई बात बुरी लगी हो। हमारा मकसद आपको तकलीफ पहुंचाना नहीं था, बल्कि हम तो ये चाहते थे कि हमारी बात आप तक पहुंच जाए। मुझे प्लान में शामिल किया था तो कम से कम बता ही देती। फिर आप नेचुरल परफॉर्मेंस कैसे करते? नेचुरल परफॉर्मेंस का तो नहीं पता, पर हार्ट अटैक जरूर आ जाता मुझे। वो बेलन से मान पाऊं तो कुछ अर्ज करूं? यार अंबर, ये बेलन तो छोड़ दो ना यार। क्या हो गया? तुम्हें नहीं पता कि बेलन क्यों पकड़ती हूँ हाथ में? जरूरत पड़ती है तुम्हारे अमाल की वजह से कि हर वक्त हाथ में बेलन रहे। हाँ, इससे मेरी फीलिंग्स हर्ट होती हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है? मैंने ना कभी किसी से जिंदगी में माफी नहीं मांगी, लेकिन आज मैं सोच रहा हूँ मैं तुमसे माफी मांगू। मैं थोड़ा सा हूँ दिल फेंक। नहीं, थोड़ा सा नहीं, ज्यादा दिल फेंक हूँ और गलत हरकतें करता हूँ, लेकिन मैंने सोच लिया कि आज के बाद ना मैं बिल्कुल सीधा देखूंगा, तुम्हारे अलावा किसी को भी नहीं देखूंगा। ठीक हो ना? कोई चोट तो नहीं लगी है तुम्हें? तवाजुन बरकरार है? क्या बोल रहे हो, पता है? हाँ, इस मरतबा चोट जो है ना, वो दिमाग पे नहीं सीधा दिल पे लगी। नूर की बातों ने ना मुझे सोचने पे मजबूर कर दिया कि मैं तुम्हारे साथ गलत करता हूँ। इसलिए ना मैं सोच रहा हूँ मैं तुम्हारी कसम खाऊं कि मैं आज। हटो भाई, मुझे क्यों मारने में तुले हो? वैसे ही कोई कसर छोड़ी है क्या? हाँ, लेकिन अगर तुमने सोच लिया है कि तुम अब सीधी राह पर चलोगे और कोई बकवास नहीं करोगे ना, तो ठीक है, तुम शौकी की कसम खा सकते हो, ताकि अगर कभी तुम पलटो ना तो तुम्हारी कसम शौकी पे पड़े। ठीक कह रही हो वैसे, मैं शौकी की कसम खाता हूँ कि मैं ना कभी भी कोई ऐसी हरकत नहीं करूंगा, और अगर कुछ करूं तो उसका असर सीधा शौकी पे होगा। यानी कि तुमने करना है, दिल से माफी मांगने के बाद भी। जमील, अबू, आई एम सॉरी अगर आपको हमारी कोई बात बुरी लगी हो। दरअसल वो नहीं बेटा, कुछ भी ऐसा नहीं। बात ये बेटा कि हो सकता है तुम्हारा बात करने का तरीका गलत हो, लेकिन जो तुमने बात की वो गलत नहीं थी। आप हमसे नाराज तो नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। भला कोई बाप अपनी बेटी से नाराज होता? आप बल्कि उल्टा, मैंने तुम दोनों के साथ गलत किया, लेकिन मुझमें शऊर है अपनी गलती को समझने का और उसे ठीक करने का। इसलिए जो वो उसे भूल जाओ और आराम से जहां जाना है वहां जाओ। और हाँ, अब मादर पितर आजाद बिल्कुल नहीं हो जाना, समझ रहे हो ना तुम? जी अबू। और हाँ, अगर कोई लड़का दोबारा तुम्हें तंग करे अपने अब्बा से आके बात करना, ऐसी दुलाई करूंगा उसकी कि बस जवानी में तुम्हारे बाप ने बड़े फड्डे किए हैं। जी। अपनी अम्मी से कहना एक अच्छी सी चाय की प्याली भेज। अभी कहती हूँ। ऐसे मान गया यार, तुम तीनों ने मिलके उस लड़के का जो हाल किया है ना, क्या बोलूं? अब पता चल गया ना? हाँ बिल्कुल पता चल गया, बल्कि मुझे तो ये डर लग रहा है कि अगर मैंने कोई ऐसी हरकत कर दी तो तुम लोग मेरे साथ भी यही करोगे। यार वैसे I don't mean to undermine your efforts, लेकिन ये क्या नाम था इसका, उस्मान, ये हरकतें बंद तो नहीं करेगा? हाँ मुझे पता है, वो कभी नहीं छोड़ेगा। तो फिर तुम लोगों ने इसको जाने क्यों दिया? मैंने तो इसे जाने नहीं दिया। क्या मतलब? वो लड़कियों को छेड़ा था, मैंने उसकी वीडियो बना ली। What?
great. I know. That's great. Well done, my friend.